हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, इसके पहले जो हमने क्लास की थी उसमें मैंने आपको पूरा वेक्टर क्लियर करा दिया था, याद है ना सभी को? अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हो, आप लोग वीडियो क्लास से लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 वेक्टर का कर लीजिएगा, है ना। एक्स्ट्रा क्लास में एक बार फिर से मैं वेक्टर करवा दूंगा आपको। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मोशन इन टू डायमेंशन, या इसी चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। ओके, इसी चैप्टर का दूसरा नाम है मोशन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। क्योंकि प्लेन में दो एक्सेस हुआ करते हैं, प्लेन में होता है एक एक्स एक्सेस और एक क्या होता है वाई एक्सेस। हालांकि एक्स और जेड भी ले सकते हो, बट होंगे तो दो ही एक्सेस। तो जब आप प्लेन में मूव करेंगे तो आपके दो कोऑर्डिनेट वेरी होंगे, दैट्स वाई इस मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन। सो डेफिनेशन करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की। इफ टू कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ प्लेन। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट में, अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको एट अ टाइम दो एक्सेस की जरूरत है, लाइक ये एक्स है और ये वाई है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कोई मूवमेंट दिखाता हूँ किसी इंसेक्ट की, कीड़े की, तो देखो यहाँ पे एक्स भी वेरी हो रहा है, वाई भी वेरी हो रहा है। यहाँ पे देखो आके एक्स बदल गया, एक्स बढ़ चुका है और वाई घट चुका है। ये सुनो, मतलब यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई की मेरे को ज़रूरत है इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मोशन मेरा कहलाएगा टू डायमेंशन मोशन। क्लियर है? सो दिस मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। नाउ इफ, ये तो डेफिनेशन हो गई, सच अ मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन प्लेन, ये भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं टू डायमेंशन मोशन का एक पर्टिकुलर एग्जांपल, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो याद रखो कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, एक पूरा का पूरा ये जो होता है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ करता है। क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन यदि काम करता है तो केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही काम करता है, और इसमें कोई एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन का काम नहीं करता है। ओके, तो ये जो होता है ये पूरा का पूरा अंडर जी परफॉर्म होता है, मतलब ग्रेविटी के अंडर ये परफॉर्म होगा। बस इसमें एक चीज़ रहेगी, इसमें क्या विशेष बात रहती है कि ये वन डायमेंशन मोशन नहीं होता, मतलब आपको पार्टिकल को सीधे ऊपर नहीं फेंकना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सीधे ऊपर फेंकोगे तो ये वन डायमेंशन हो जाएगा, पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाएगा और इसी डायरेक्शन में वापस आएगा। तो आपको ग्राउंड से, जैसे ये ग्राउंड है तो आपको दो एंगल मना कर रहा हूं मैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो एंगल अगर आप परफॉर्म करेंगे, जैसे आपने बॉडी को यहां थ्रो कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? वन डायमेंशन मोशन। अगर आपने 90 पे थ्रो करिया तो भी क्या हो जाएगा? वन डायमेंशन मोशन। मतलब 0 से लेके 90 के बीच में अगर आप इसको किसी भी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, मतलब थीटा इज बिटवीन 0 टू 90, तो ऐसा जो मोशन आप कहीं से भी फेंकेंगे इसको विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए आपने ये इनिशियल वेलोसिटी से दे दिया, आपको थ्रो कर दिया, तो पार्टिकल क्या होगा? ऐसे चल के इस तरीके से गिरेगा, ठीक है ना। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। आइए पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के डेफिनेशन। अ पार्टिकल थ्रोन इन स्पेस विच मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही बात है, अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड, सॉरी, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, दैट इज पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मतलब जिस पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हो, लाइक आपने पत्थर थ्रो किया, फुटबॉल आपने किक मारी, तो उस पार्टिकल को क्या बोलोगे? प्रोजेक्टाइल। एंड इसका जो ओवरऑल मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो प्रकार के मोशन है, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सबसे पहला आपके पास आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जो ये पहला वाला एग्जांपल है, अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो देखिए क्या सिचुएशन है, एक एरोप्लेन किसी पर्टिकुलर हाइट पे उड़ रहा है, ये मान लीजिए यहाँ से एरोप्लेन उड़ रहा है, बोलो या सुनो, और ये ग्राउंड से इसकी हाइट जो भी है, और यहाँ से इसने बॉम्ब छोड़ दिया, तो ये देखो ग्राउंड, ये बॉम्ब कुछ ऐसा गिरेगा यहाँ पे, बोलिए या सुनो, एकदम सीधा तो कभी नहीं गिरेगा। इसलिए नहीं गिरेगा सीधा क्योंकि इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। अब जब बॉम्ब के पास इनिशियल वेलोसिटी है तो वो इनिशियल वेलोसिटी हर सेकंड मेंटेन रहेगी, हर सेकंड क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, वो इनिशियल वेलोसिटी कभी कम नहीं होगी, समझ गए ना। तो बेटा पहले टाइप का ये प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी जो ग्रेविटेशन लग रहा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके अलावा और कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। क्योंकि भैया जब आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया तो
प्लेन आगे निकल गया ना, इस पर किसी इस तरफ से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो। मगर वाई डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस जी। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलिए, तो एक बात हो गई। तो पहला प्रोजेक्टाइल मोशन है अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन, दूसरा एन एरो रिलीज फ्रॉम अ बो, एक बो से एरो रिलीज किया है, तो जैसे ही बो से एरो रिलीज हुआ है तो ये एरो कुछ इस तरीके से जा करके ऐसे लगेगा, लगेगा नहीं करेगा, अगर ऊपर की तरफ मारा है तो ऐसा कुछ, ये सुनो, अगर सामने से मारे हो तो फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बट यदि आपने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल लेकर के अगर आपने एरो को खींचा तो इस बार के प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो आपके सिलेबस में बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, आपके सिलेबस में क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ये आपको पढ़ना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस। तो आइए देखते हैं क्या है, सबसे पहले बात करते हैं, दोनों केसेस डिस्कस कर लिए। यस, सो नोट, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सबको पता है क्योंकि इस पे कांस्टेंटली जी काम करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन टू द पार्टिकल ऑब्लिकली इन डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी, देन द रिजल्ट पाथ इज पैराबोलिक। देखो भाई, इफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन टू पार्टिकल ऑब्लिक डायरेक्शन विद द इनिशियल वेलोसिटी, ये देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन टू अ पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल को एक कांस्टेंटली एक्सेलरेशन दे दिया जाए, है ना, विद इनिशियल वेलोसिटी, विद इन ऑब्लिक डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी, देन द रिजल्ट पाथ इज पैराबोलिक, उस समय रिजल्टेंट जो पाथ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे ये समझो तुम, इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, यहां पर देखो आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, हाँ या ना, और इसी पाथ पर जो ग्रेविटी लगती है वो कहाँ लगती है, डाउनवर्ड, ये सुनो। तो अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि ग्राउंड ग्रेविटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल बन जाए, ये जो लाइन लिखी हुई है, तो उस समय जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा, डेफिनेटली। किस किस चीज के बीच में? अगर इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। दूसरा एग्जांपल देखो, जब आप यहां से थ्रो करते हो किसी चीज को, छत से बैठ करके आप कोई पार्टिकल ले लो, चौक रख लो बोर्ड डेस्क के ऊपर और यहां से उंगली मारो खट, तो चौक का डायरेक्शन देखना, आपने ऐसा मारा चौक कुछ इस तरीके से गिरेगी, ये तो आपने किया भी होगा, डेस्क के सामने बैठ के चौक को आपने मारा होगा, तो चौक इस तरीके से गिरती। अब देखो भाई, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, हाँ है ना, और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ये है। तो दोनों, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी ऐसे भी ले लो या ऐसे भी ले लो, कैसे भी ले लो, तो ये दोनों के बीच में एक ना एक एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कहलाती है ऑब्लिक सिचुएशन। क्या कहलाती है? ऑब्लिक सिचुएशन। तो इस पोजिशन पर जो पाथ आपका बनेगा ना, वो होगा आपका पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। अभी थोड़ी देर में इसको हम प्रूव भी करेंगे बच्चों की प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला क्यों होता है, ये तो मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसलिए मैंने बता दिया कि इफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन टू द पार्टिकल इन ऑब्लिक डायरेक्शन विद द इनिशियल वेलोसिटी देन द रिजल्टेंट पाथ विद द पैराबोलिक। इसको मैं थोड़ा और सिंपलीफाई फॉर्म में करके बोलूँ कि प्रोजेक्टाइल कब होगा, प्रोजेक्टाइल कब बनता है, प्रोजेक्टाइल तब बनेगा जब पार्टिकल जो होता है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन को छोड़ करके किसी अदर डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, बस ये है। ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड। तो अप और डाउन को छोड़ करके अगर आप किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करोगे पार्टिकल को, समझ गए ना, तो आपका क्या बनेगा? प्रोजेक्टाइल बनेगा। और मैंने बेस्ट बता दिया था कि थीटा इज बिटवीन 0 to 90। भाई 0 पे स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, 90 पे भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको तो कैसे चाहिए, आपको तो चाहिए टू डायमेंशन मोशन, मतलब एक्स में भी और वाई में भी, तो आपको कोई ना कोई एंगल बना करके इसको फेंकना पड़ेगा, तब आपका प्रोजेक्टाइल कवर करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों? बोलो क्लियर है? आइए अब देखते हैं बच्चों, यहाँ से अपना टॉपिक शुरू होता है, किस तरीके से प्रोजेक्टाइल को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपके पास बेटा इनिशियल वेलोसिटी यू से, आपने इनिशियल वेलोसिटी यू पे ये थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा एंगल पे क्या कर दिया बेटा, प्रोजेक्ट कर दिया, बोलो यस और नो। थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू। अब यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन का,
दैट इज यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और एक वाई डायरेक्शन का यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी मोशन हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्स कॉस थी यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो भी मोशन हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यू साइन थीटा इनिशियल। अब देखिए क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यहां से पार्टिकल छूट चुका है, एक बार मार दिया आपने, छूट दिया मतलब इधर पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई एक्सेलेरेशन काम नहीं कर रहा, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना होगा बेटा, जीरो। बट वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगी, इसलिए वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना होगा, माइनस जी। कितना होगा, क्योंकि यू इक्वल टू यू साइन थीटा आपने पॉजिटिव माना है, अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड की सारी क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो ए वाई कितना होगा बेटा, माइनस जी। समझ में आ गया, चलिए थीटा एंगल से थ्रो कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी यू है। थोड़े देर चलने के बाद आप यहां पर आ जाइए, मान लीजिए यहां पर है टाइम टी, कितना टाइम बेटा टी, तो टाइम टी पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि इस तरफ कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। अगर आप फॉर्मूला भी लगा दें, वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम टी, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहां पे, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, यू कॉस थीटा। एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो, इंटू टाइम कुछ भी हो, मतलब थ्रू आउट द मोशन एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा ही बना रहेगा, चाहे यहां पर निकालो चाहे कहीं पर निकालो, जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकलेगा वो क्या होगा बेटा, यू कॉस थीटा। आई बात समझ में, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कौन स्टार्ट करेगा, यू साइन थीटा। तो आप लोग जानते हो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता बच्चों की, नहीं होता, तो वी वाई लगा दो, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू कितना टी, तो वी वाई बेटा टाइम तो किसी का सगा नहीं है इसलिए टी वाई का नहीं लगेगा, टी तो टी है, जो एक्स के लिए है वो वाई के लिए है, बोलो हाँ ना। तो यू वाई कितना हो गया बेटा, यू साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी इंटू टी, तो ये देखो बेटा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना आ गया, u sin थीटा माइनस जी टी। तो दो कंपोनेंट यहां पे आ गए, एक x vx है u cos थीटा और vy है u sin थीटा माइनस जी टी। बोलिए सुनो, अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पर आएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी ऊपर जाना रुक जाएगी, बॉडी नीचे जाएगी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर केवल एक ही वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx इक्वल टू u cos थीटा। बोलिए सुनो, और चलने के बाद पार्टिकल फाइनल एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जिसको हम बोलते हैं मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये बन गया आर कॉमा जीरो। आर कॉमा जीरो स्टार्ट किया था जीरो कॉमा जीरो से, और मैक्सिमम कितना आ गया, आर कॉमा जीरो, और मैक्सिमम हाइट बनेगी एच। मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी, एच। चलिए अब देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। हाँ भाई, इसी को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इफ द प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज टू मच्युअली परपेंडिकुलर मोशन विच आर इंडिपेंडेंट टू द ईच अदर, प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो हम प्रोजेक्टाइल आपको सामने सॉल्व करने वाले हैं, ये ग्राउंड से फेंका गया और ग्राउंड से चला है, तो इसमें हम दो डायरेक्शन के मोशन कंसिडर करेंगे, एक वाई डायरेक्शन का और एक एक्स डायरेक्शन का, ठीक ना। यहां पर दो मोशन हमारे पास आने वाले हैं, आइए देखते हैं क्या क्या लगने वाला है। तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यू एक्स इक्वल टू कितना, यू कॉस थीटा। एक्सेलेरेशन कितना बेटा हॉरिजॉन्टल का, जीरो, मैंने बता रखा है ये सुनो। इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा, यूनिफॉर्म विद द वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये सुनो। अब चलिए, यदि मैं बोलूं कि किसी टाइम टी पर मुझे निकालनी है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ऐसा समझ लो किसी टाइम टी पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, चलो अलग से बना लेता हूं। ये ऐसा मान लीजिए कि हाँ ये ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल को आपने यहां से फेंका है, ये यहां तक चल गया, ओके, पार्टिकल आपने फेंका है विद ए स्पीड यू, विद ए स्पीड यू। अब इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन है एक्स कॉमा वाई, क्या पोजीशन है, एक्स कॉमा वाई। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया है, एक्स, ये सुनो, और वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया है, वाई। और यहां तक ट्रेवल करने में जो इसको टाइम लगा है, इस पॉइंट पर लगा है टाइम टी, कितना टाइम लगा है टी। चलिए तो देखिए, क्योंकि दो कंपोनेंट है वेलोसिटी यू के, एक है यू कॉस थीटा और एक है यू साइन थीटा, ये सुनो। तो टाइम टी में विद अ वेलोसिटी यू कॉस थीटा ट्रेवल की हुई डिस्टेंस कितनी होगी टाइम टी में, टाइम टी में, तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर टाइम टी में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक्स, आप जानते हो
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x डायरेक्शन के लिए एस एक्स ले लो, ये भी क्या ले लो, यू एक्स ले लो और ये ए एक्स ले लो। तो एस एक्स, एक्स डायरेक्शन का कितना है डिस्प्लेसमेंट x है, यू एक्स कितना चल रहा है u cos थीटा इंटू टाइम कितना है t प्लस वन अपॉन टू, ए एक्स कितना है जीरो, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये आ गया आपके पास में x इक्वल टू यू इंटू टी, दैट इज x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। बोलिए क्लियर, ये सुनो। अब आइए इसी चीज को वर्टिकल मोशन में देखते हैं कि वर्टिकल मोशन में क्या होता है। इसी पॉइंट टी पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है y, कितना है डिस्प्लेसमेंट y। तो मैं बनाता हूं फिर से वही फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की यदि मैं बात करूं तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा y, इसको सबको y कर दो, यू वाई ए वाई हो गया ना। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y इक्वल टू यू वाई, यू वाई कितना लग रहा है u साइन थीटा इन टू टी प्लस वन अपॉन टू, ए की जगह कितना आएगा बेटा माइनस जी इन टू टी का स्क्वायर। सो y इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। ये देखिए एक्सलेशन माइनस जी लग रहा है, यू वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी हो जाएगा, ओके ये स्पीड हो जाएगी किसी पॉइंट पर। और यदि डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यू वाई की वैल्यू कितनी है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलिए यस और नो, हो गया कि नहीं हुआ, बोलो यस और नो भाई। हाँ ये आ गए यहाँ तक डेरिवेशन, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पर आप दो वेलोसिटी निकाल चुके हो, अभी हम ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पे आगे चल रहे हैं कि पैराबोला कैसे आएगा। चलो अगर आप कहोगे तो यहीं पर मैं प्रूफ करा दूंगा, ये आपके पास आ चुका है यू वाई साइन थीटा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए टाइम क्या है, टाइम यहाँ से कितना निकलेगा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना बेटा भाई, टी इक्वल टू यू कॉस थीटा इन टू टी है तो टाइम इज इक्वल टू कितना निकला गया, बोलो x अपॉन यू कॉस थीटा, यस और नो। चलिए तो पुट करता हूं मैं यहां पे टाइम की वैल्यू, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, बोलो ठीक है, माइनस वन अपॉन टू जी जिंदाबाद, और t की जगह फिर से वही है x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, u से u क्या हो गया कैंसिल, सो y इज इक्वल टू एक्स साइन अपॉन कॉस कितना हो गया टेन थीटा माइनस हाफ, यहां पे आएगा g, इधर पे आ गया एक्स स्क्वायर और इधर पे आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए सुनो, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन अपॉन टू माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कितना एक्स स्क्वायर। ये सुनो, अब देखो भाई ये y है और यहां पे एक्स स्क्वायर है, y है यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर है, मतलब एक क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बन रही है यहां पे, इस वजह से। और ये देखिए y है और ये किसका है एक्स स्क्वायर है, ओके तो ये ग्राफ जो बनेगा इसका कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि जब भी y एक्स स्क्वायर से रिलेट होता है तो क्या ग्राफ बनता है पैराबोलिक। और देखिए एक्स स्क्वायर में क्या है नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर में क्या है नेगेटिव, मतलब जो पैराबोला जाएगा वो कहां जाएगा नेगेटिव साइड में, कैसा जाएगा समझ में आ गया, यस इस वजह से ये पैराबोला नेगेटिव जा रहा है ना। तो y y सिंगल पावर में है, y सिंगल पावर में है, तो जो सिंगल पावर होती है उसके अलोंग पैराबोला खींचता है, सिंगल पावर y की है तो y के अलोंग पैराबोला, देखो y एक्सिस है ना नीचे, हाँ तो ऐसा पैराबोला नीचे जाएगा, क्लियर हो गया। बस आप अब तो बायोलॉजी वाले बच्चे तो आपको इतना याद रखना है क्योंकि y और x स्क्वायर की रिलेशनशिप आ रही है, जब भी बच्चों स्क्वायर की रिलेशनशिप होती है आपने पढ़ा होगा क्लास टेंथ में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका ग्राफ क्या बनता था पैराबोला, क्या बनता था पैराबोला, याद आया। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव होता था ऊपर जाता था पैराबोला, और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव होता तो क्या जाता था नीचे जाता था। तो यहां पर भी क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है नेगेटिव, ये देखो माइनस लगा हुआ लगा ना, तो इस वजह से कैसा जाएगा ये नेगेटिवली पैराबोला, कैसे जाएगा नेगेटिवली पैराबोला, ठीक है ना। तो यस ये मैंने आपका बना दिया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या बना दिया मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसे, ट्रेजेक्टरी ट्रेजेक्टरी मतलब रास्ते का इक्वेशन, रास्ते का इक्वेशन, ठीक है ना। तो कैसे कैसे की एक बार फिर से बता देता हूं आपको मैं, सबसे पहले x डायरेक्शन में निकाला मैंने डिस्प्लेसमेंट है, तो x डायरेक्शन में x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आ गया, ठीक है ना।
फिर यहां से y डायरेक्शन इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर y डायरेक्शन में लगा दिया और t की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करता गया तो आंसर आ गया y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1 अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। एक बार फिर से लिख देता हूं इक्वेशन, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ, ओके जी भी भूल गया, हाँ जी भी रहेगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब रास्ते का समीकरण, रास्ते की इक्वेशन, ठीक है ना। कोई दिक्कत कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब हमको बताते हैं, ये तो हो गई वाई निकाल लिया एक्स निकाल लिया, अब हम आपको बताते हैं किसी भी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी, किसी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी। सबसे पहले देखिए नेट इनिशियल वेलोसिटी, तो भाई आपने क्या फेंकी, यू और यू के दो कंपोनेंट है, यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप, एक्स एक्सेस में आई कैप लगेगा, वाई एक्सेस में जे कैप लगेगा। एक्स एक्सेस का कंपोनेंट क्या बेटा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, बोलो क्लियर है ना। हाँ तो ये आ गया आपका क्या, नेट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब नेट एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो भाई एक्सेलरेशन जो है दो ही काम कर रहे हैं, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स साइड का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, क्योंकि एक्स साइड में कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, जीरो एक्सेलरेशन है। तो नेट एक्सेलरेशन जो काम करेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स तो जीरो है, ए वाई कितना है माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड क्या लग रहा है, माइनस जी जे कैप। तो आंसर कितना आ गया, माइनस जी जे कैप, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए कोऑर्डिनेट की बात की जाए, कोऑर्डिनेट कितना है एट अ टाइम एक्स पर किसी पार्टिकल पर टाइम टी पर, तो अभी मैंने बताया था आपको, ये देखिए जब आपने यहाँ पे टाइम टी लिया था तो टाइम टी पर जो वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट आया था, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आया था ये कितना था, एक्स इक्वल टू यू इंटू टी था ना, यू एक्स इंटू टी, और वाई कितना आया था, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, याद आ गया आपको, अभी मैंने ऊपर निकलवाया था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, अरे वो वाली शीट में निकलवाया था सॉरी। ये देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट था, एक्स इक्वल टू कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी है ना, और y कोऑर्डिनेट कितना निकला था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो दो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, और आप जानते हो कि x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी और यू वाई इंटू टी, तो दो वेक्टर बन जाएंगे, कितने वेक्टर बन जाएंगे, दो वेक्टर बन जाएंगे, है ना। आप जानते हो जैसे मान लो इस पोजीशन पे, आप ऐसे समझो इसको, इसको इस तरीके से समझो आप, हाँ जैसे मान लो आप इस पॉइंट पर बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए, तो आपके दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक क्या बनेगा x और एक बनेगा y। तो यदि आप यहां का वेक्टर जनरेट करोगे तो क्या बनेगा, एक्स आई कैप, और यहां का वेक्टर जनरेट करोगे क्या बनेगा, वाई जे कैप। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नेट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहीं पर यही बात की गई है कि अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन वेलोसिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है अपने पास में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, देखिए जैसे यहां से अपने ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर, तो यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक वी एक्स और एक वी वाई, एक वी एक्स और एक वी वाई। तो वी एक्स तो आपको पता है कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स ही होगा, क्योंकि पूरे मोशन में क्या लगा, वी एक्स यू एक्स ही लगा है, ये देख लो अभी समझ में आएगा। और वी वाई आपको मैंने निकलवाया था, वी वाई कैसे निकला, इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, याद है कि भूल गए, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, अभी निकलवाया देख लो यदि आपको याद नहीं तो। ये एस वाई है, ओके उस वाली स्लाइड में ये देखिए, हाँ वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस, ये तो वाई डायरेक्शन है, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे यदि तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू साइन थीटा यू वाई और माइनस कितना जी इंटू टी, ये हो गया वेलोसिटी की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई वेलोसिटी की। यू एक्स देखो कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो अब देखो मेनली बात समझो भाई, ये देखो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कैप, ये मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी निकलेगी नेट वेलोसिटी वो क्या होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दोनों डायरेक्शन से मिलके। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स इंटू टी है, यहाँ पे टी रहेगा बेटा, यू एक्स यू टी वी इक्वल, सॉरी हाँ ठीक है सही लिखा, एकदम सही लिखा है। तो वी इक्वल टू है वी एक्स आई कैप, तो वी एक्स कितना है, यू एक्स ही तो है, क्योंकि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स है, क्यों है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो सेम है भाई, चुप मत रहना, पूछ लेना जहाँ डाउट है। और वी वाई कितना निकला भैया, यू वाई माइनस जी टी, निकला कि नहीं निकला अपना,
चलो वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक x कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा i कैप, और y डायरेक्शन कितना निकला है, u sin थीटा माइनस gt j कैप। बोलो यस और नो। हाँ, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मॉड भी निकालना है, तो आपको पता था कि दो वेक्टर हैं अपने पास, वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का, है ना। तो ये क्या है, वी एक्स है और ये क्या है, वी वाई। तो यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, थोड़ा सा इसको साइड में करके ज़्यादा अच्छे तरीके से करता हूँ तब और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चों, ओम जहाँ पे दिक्कत हो बोल देना बेटा, है। देखो भाई कैसे करना है यहाँ पे अपने पास में, तो ये अपने पास में ये वाला पार्ट वी एक्स है और ये वाला पार्ट कितना बेटा, वी वाई। तो आप जानते हो कि किसी भी पॉइंट पर अगर दो डायरेक्शन मिल रही हैं, एक वी एक्स मिल रही है, एक वी वाई मिल रही है, देखो एक वी एक्स है और ये क्या है बेटा, वी वाई। तो जो मैग्नीट्यूड निकलता है, वी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो यदि इसके मैं वैल्यू पुट कर दूं आपको नेट वेलोसिटी की, तो वी इक्वल टू अंडर रूट यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसको बेटा पूरा ओपन कर दो, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू कितना, जी टी। बोलो हाँ, है ना। अब देखो यहाँ से यदि u स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थ्री प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। बेटा ये क्या आया, यही है नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, तो ये अपन ने बना लिया। बोलो कल क्लियर है। अब बेटा नेट वेलोसिटी है, आपने देखो एक था क्या वी एक्स था, है ना, एक क्या था बेटा वी वाई था, और ये अपन का गया था नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट वी, हाया ना, हाया ना, क्योंकि बेटा ये वी वाई है तो ये भी कितना होगा वी वाई, और ये क्या है बेटा वी एक्स है, है ना। आपने थोड़ा वेक्टर नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने थोड़ा डाउट होगा वेक्टर पढ़ लोगा। अब देखो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, इसको क्या मान लो अल्फा, क्या मान लो अल्फा, तो इसका टेन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना वी वाई और बेस कितना वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी और वी एक्स की वैल्यू कितनी यू कॉस थीटा, तो इससे आ जाएगा आपका टेन टेन अल्फा। बोलो क्लियर है, डन ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो कितने समय तक उड़ा है। तो भाई टाइम ऑफ रोटाइट, प्रोजेक्टाइल की जिंदगी में दो मोड़ आए हैं, एक एसेंड हुआ था और फिर क्या हुआ था डिसेंड हुआ था, और यहां पर जो मैक्सिमम हाइट, यहां पर जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो गया था जीरो, एक्स तो जिंदा था, एक्स कितना था, एक्स तो यही था, एक्स था वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, बोले तो क्या यू कॉस थीटा, ये तो हमेशा एक ही चीज लगी है यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्सलेशन लगा नहीं है तो यूनिफॉर्म बना हुआ है, हाँ ना। मगर नेट वेलोसिटी वाई इक्वल टू कितना, वी वाई इक्वल टू कितना जीरो हाईएस्ट पॉइंट पर। तो बेटा वी वाई का फॉर्मूला, वी इक्वल टू होता है क्या यू प्लस ए टी, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो वी वाई निकालना है इक्वल टू यू वाई कितना हो गया बेटा, बोलो यू साइन थीटा प्लस एक्सलेशन कितना है माइनस जी इंटू कितना टी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो, मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो गया जीरो, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू जीरो, तो जी टी को इधर ले आओ, जी टी इक्वल टू कितना हो गया यू साइन थीटा, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया यू साइन थीटा अपॉन में कितना बेटा जी। मतलब यहां से लेकर के यहां तक जाने का समय टाइम ऑफ एसेंड आधा टाइम जो है यू साइन थीटा अपॉन कितना है जी है, तो इसको डबल कर दोगे तो पूरा टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इक्वल टू दो गुणे स्मॉल टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। बोलो क्लियर है, टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है। इसको एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, इसको एक तरीका क्या निकालने का, आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो, किस डिस्प्लेसमेंट को, वाई डिस्प्लेसमेंट को, किसको वाई डिस्प्लेसमेंट को। देखो जब पार्टिकल यहां से चला है और ये घूम करके वापस आ गया है, तो आप फील कर रहे हो इसकी वाई पोजिशन क्या है, यहां है, और फाइनल वाई पोजिशन भी कहां, यहीं तो है, मतलब y डायरेक्शन में इसने कुछ भी ट्रेवल नहीं किया। देख लो ना भाई, पहले भी कहां था, यहां था, तो यहां पर y कितना था जीरो था, और बाद में भी कितना है, y कितना है जीरो ही तो है ना, x में ट्रेवल हुआ ना, y में कुछ ट्रेवल नहीं हुआ है। तो मतलब ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है जीरो है। तो यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और मैं सारा का सारा y पे खेल दूं, तो ये भी y हो गया, ये भी y हो गया। बोलो ये सुनो, हाँ बोलो कितना,
डिस्प्लेसमेंट कितना वाई डायरेक्शन का, जीरो, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ गया ही नहीं, जहां था वहीं तो है वाई में, आकर के लौट के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहां तक बढ़ा और फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। चलो यू वाई कितना बेटा, यू साइन थीटा, टोटल आने तक का समय, स्मॉल टी को मैं क्या नाम दे दूं, कैपिटल टी, क्या नाम दे दूं, कैपिटल टी, प्लस वन अपॉन टू, एक्सलेशन कितना लगा बेटा वाई डायरेक्शन में, माइनस जी इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी हो जाएगा। बोलो ठीक है, एक काम करो इसको पलट करके यहां ले जाओ, तो माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जी टी का स्क्वायर। बोलो क्लियर है, एक टी से बच्चे, एक टी क्या हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, बेटा टू इधर चले जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन कितना जी, जी नीचे आ गया, आ गया, और यहां पर क्या आ गया कैपिटल टी, तो जो टोटल टाइम लगा वो बन गया टू यू साइन थीटा बाई जी। बोलो क्लियर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, यू साइन थीटा अपॉन जी। बोलो क्लियर है ना बच्चों, ओके। अगर मैं बात करूं आधे टाइम की, तो आधा टाइम कहलाता है असेंडिंग टाइम, और आधा टाइम इधर का क्या कहलाता है डिसेंडिंग टाइम, तो क्या होगा आधा होगा यू साइन थीटा बाई जी, क्या होगा यू साइन थीटा बाई जी, समझ में आ गया ना, मतलब आधे टाइम में वो ट्रेजेक्ट्री मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा, एट टाइम टी बाई टू पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम हाइट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। बोलो हाँ ना, ट्रेजेक्ट्री मतलब अपने रास्ते का सबसे ज्यादा हाइट अटेन कर लेगा, क्लियर है, बोलो बन जाएगा। चलिए अगला निकालते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मैंने आपको बताया था डायग्राम में हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट कवर की गई डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो यस और नो, अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्यों ना एक्स एक्सिस में ही फॉर्मूला लगा दिया जाए बच्चों, तो एक्स एक्सिस में फॉर्मूला लगा दिया जाए तो अपन को पता है एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो हाँ, तो भैया अगर अपन को पूरी डिस्टेंस निकालनी है तो पूरी डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, और एक्स डायरेक्शन में क्या चल रही है वेलोसिटी यू एक्स कर लो तो यू कॉस थीटा, बोलो यस नो, इनटू टाइम कितना कैपिटल टी, क्योंकि कंप्लीट टाइम पे पहुंचेगी ना यहां से यहां तक, तो टाइम क्या लगेगा कैपिटल टी तो लगेगा ना, हाँ, प्लस वन अपॉन टू, बोलो एक्सलेशन कितना एक्स डायरेक्शन का जीरो है ना, माइनस जी तो बेटा वाई डायरेक्शन में लगता है, एक्स डायरेक्शन का कितना है जीरो, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया जीरो, तो केवल बचा आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कितना कैपिटल टी, हाँ या ना, आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, हमारे पास कितना आया आर इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी, तो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई, अभी मैंने कैपिटल टी निकाला है टू यू साइन थीटा बाई जी, यस ऑर नो, सो आर इक्वल टू हो गया बेटा कितना यू स्क्वायर, यू और एक यू ये है, एक यू ये है, हाँ या ना, और टू साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाई कितना जी, अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, किसका होता है फॉर्मूला साइन टू थीटा का, तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में कितना जी, दिस इज कॉल हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। बोलो बन जाएगा, कोई दिक्कत हाँ या ना, चलिए इसको ऐसा क्या लिख सकते अपन, देखो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी को यदि देखो बेटा तो ध्यान से देखो ये क्या है यू कॉस थीटा है, मतलब नहीं है ये तो यू कॉस थीटा ही तो लिखा ना ऊपर, मतलब यू एक्स है, क्या ये यू एक्स, और ये क्या लिखा है यू साइन थीटा, तो ये क्या है यू वाई है कि नहीं है, तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, बच क्या गया टू अपॉन जी, तो आंसर देखो टू अपॉन जी यू एक्स इनटू यू वाई, मतलब ये भी आ सकता है पूछ करके, कहते प्रूफ करो कि ये होता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भैया यू एक्स का मतलब क्या होता है यू कॉस थीटा, बोलो हाँ, और यू वाई का मतलब क्या होता है यू साइन थीटा, तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बट मेन फॉर्मूला तो आपका यही है बेटा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, क्लियर है एनी प्रॉब्लम। चलिए अगला है मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड की भैया मैक्सिमम हाइट कहां पर निकली है, तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि मैक्सिमम हाइट निकली थी यहां पर, बोलिए सुनो, और यहां पर जो टाइम निकला था आधा टाइम निकला था कितना निकला था यू साइन थीटा बाई जी, याद है कि नहीं याद है, टाइम इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वी वाई बराबर कितना हो गया था जीरो, हाँ ना, और वी वाई बराबर जीरो होने पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो एच था, यानी कि मैक्सिमम हाइट थी, बोलिए हाँ ना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, होता है कि नहीं होता, अगर मैं वाई डायरेक्शन में इस फॉर्मूले को दूं यहां भी वाई यहां भी वाई यहां भी वाई और यहां भी वाई, चलिए वाई डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है
जीरो। यू वाई मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, यू साइन थीटा, बोलो हाँ। और स्क्वायर लगा तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, प्लस टू। एक्सलेशन का वाई कंपोनेंट कितना है, बोलो माइनस जी। और एस वाई कितना चल रहा है, एच ऊपर की तरफ, मैक्सिमम है ना। पूरा का पूरा पार्टी इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टू इंटू जी इंटू कितना एच, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, एच को निकाल लीजिए क्योंकि एच आपको निकालना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना टू जी, समझ में आ गया, ये आ गया मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना टू जी, क्लियर है ना। मैक्सिमम हाइट पर जो आपका वेलोसिटी होगा जीरो हो जाएगा, उससे हमारी हाइट निकल गई यूजिंग द फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, यू वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई कंपोनेंट कितना होता है भाई, वाई कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन कितना टू जी, है ना। देखो ये छोटे छोटे रिजल्ट का पूछ सकता है, जब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो आपको वैसे डायरेक्ट सब लोग बच्चे लोग ये याद करके जाते हैं, बट ये भी थोड़ा बनना चाहिए। कैसे आ गया भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यू वाई का होल स्क्वायर, वाई कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है ये, वाई कंपोनेंट। आपको पता रहा है कि जब अपने थ्रो किया था तो एक एक्स कंपोनेंट निकला था यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ वाई कंपोनेंट निकला था यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, बोलो हाँ ना, तो वही तो लिखा है, यस और नो। अब भाई साहब को याद आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, तो मैंने तो पहले ही करा दी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बोली यस और नो, है ना। ये जो फॉर्मूला निकला था यू कॉस थीटा इंटू टी और वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से अपन ने पहले ही इसको प्रूफ कर लिया था, बोली यस की नो, एनी प्रॉब्लम। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो अपन ने पहले ही बना डाली थी, ठीक है ना, दोबारा कराने की जरूरत तो नहीं बच्चों, है ना। कैसे कर लिया था, देखो यू टी यू साइन थीटा इंटू टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये पुट कर दिया था माइनस वन अपॉन टू, और जी जी की जगह जी, और टी की जगह फिर से कितना एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गई थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ये देखो भाई साहब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा पैराबोला का, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये किसका है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देख लो यहाँ पे ये ए है एक्स, और ये पूरी की पूरी पार्टी बी, और ये बन गया क्या एक्स का स्क्वायर, समझ में आया बच्चों। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, तो यहां तक आपके एग्जाम में आएगा, यहां तक आपके एग्जाम में आएगा, समझ गया ना। अब इसके बाद थोड़ी हाई लेवल की चीजें हैं, जैसे हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल में फंडा ये है कि पूरी यात्रा के दौरान एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगता है, मतलब हर इंस्टेंट पर एनर्जी फिक्स रहती है, हर इंस्टेंट पर एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब एनर्जी बिल्कुल हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। चलो खैर अब देखते हैं कैसे करेंगे। एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको समझो बेटा, जब आप ऊपर की तरफ भेज रहे हो तो इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कम होती जाती है ना, नीचे तो तेज रहेगा, बोलो है ना, ऊपर क्या हो जाएगी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो नीचे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, ऊपर वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, बोलो हाँ। मगर पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से होती है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी। तो अपन कर एक काम करते हैं, अपन दो पॉइंट पर इसकी एनर्जी निकालते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, देखते हैं कि टोटल एनर्जी दोनों की बराबर है कि नहीं है। चलिए तो नीचे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो नीचे अपने पास में काइनेटिक एनर्जी भाई साहब देखते हैं, देखो नीचे कितनी है काइनेटिक एनर्जी, जब आपने थ्रो किया है इसको, जब आपने थ्रो किया है इसको, हाँ चलिए, जिस समय आपने इसको थ्रो किया है तो उस समय आप इसकी टोटल एनर्जी निकालिए। तो जब आपने इसको थ्रो किया है विद द वेलोसिटी u, मान लो प्रोजेक्टाइल का मास कितना है m, कितना मास है m, तो u वेलोसिटी से थ्रो किया है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम यू वी की जगह क्या है u है, तो मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो गई हाफ एम यू स्क्वायर, बोलो है ना। अब जमीन में है, तो जमीन में तो थ्रो करते समय कोई पोटेंशियल तो होगी नहीं, तो पोटेंशियल के नाम पे कितना जोड़ दिया मैंने जीरो, तो टोटल एनर्जी थ्रो करते समय कितनी है हाफ एम यू स्क्वायर, है कि नहीं है। अब ऊपर आ जाओ, थ्रो करते के बाद आपने दूसरा पॉइंट कहाँ चेक करना है, यहाँ पे चेक करना, करना है कि नहीं करना। तो भैया यहाँ पर अपने पास में
हाइट है कैपिटल एच, कितनी हाइट है कैपिटल एच, और इस पॉइंट पर केवल एक ही वेलोसिटी काम कर रही है, वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। तो एक तो अपनी एनर्जी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकलेगी फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम की जगह एम और वी एक्स की जगह क्या होगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो यस और नो। और दूसरी निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि भैया ऊपर आपने जब फेंक दिया है तो एक तो काइनेटिक थी और इस पॉइंट पर क्या निकलेगी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होती है एम जी एच, क्या होती है एम जी एच, तो एम जी एच एच मतलब मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अभी अपन निकाली थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यदि आपको भूल गया तो ये देख लो है ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, तो ये आ गई मैक्सिमम हाइट, आ गई मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये आ गया मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है कोई दिक्कत, हाँ जी। एम जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा जी से जी कैंसिल कर दो, कर दिया बोलो यस, क्या बच गया हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दो एनर्जी यहाँ पे निकाल चुके हो, एक काइनेटिक ये निकली और एक पोटेंशियल ये निकली, जरा दोनों को जोड़ करके देख लो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर इसमें है, हाफ एम यू स्क्वायर इसमें, दोनों को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो कितनी हो गई हाफ एम यू स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, जिस समय आपने थ्रो किया था इसको, जिस समय आपने थ्रो किया था तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी हाफ एम यू स्क्वायर, और इस पॉइंट पर पहुंच करके भी टोटल एनर्जी कितनी है हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब क्या वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, दिस इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोलो आ गया समझ में एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा हाफ एम यू स्क्वायर बनी रहेगी, बोलिए सुनो, बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, क्यों भैया क्यों बनी रहेगी, क्योंकि आपने फेंका कितने से इसको, कितनी एनर्जी से फेंका है हाफ एम यू स्क्वायर, थ्रो करते समय इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी हाफ एम यू स्क्वायर, क्लियर है बन जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तो अगर किसी पॉइंट एच पर हैं आप, हाइट एच पर हैं, तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी है थ्रो करते समय की हाफ एम यू स्क्वायर, और मान लीजिए उस पर वेलोसिटी वी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाइट एच है एम जी एच, तो मास से मास कैंसिल कर दीजिए, ये मास से ये मास से ये मास क्या हो गया कैंसिल, टू का एलसीएम ले लीजिए, तो टू का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एच, बोली हाँ है ना, तो इसको इधर ले आइए, तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा वी का स्क्वायर, तो वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, बोले क्लियर है बन जाएगा ना एनी प्रॉब्लम, यस। तो ये हो गया आपका एक कंसेप्ट, मैंने ये बता दिया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेटा कुछ पूछना है इसमें, चलिए दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये है, व्हेन टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद इक्वल स्पीड विद एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, देयर रेंजेस विल बी इक्वल बट मैक्सिमम हाइट अटेन आर डिफरेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर ऑल्सो डिफरेंट। देखो भाई ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप एक एंगल को थीटा पर फेंकें और एक दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा पर फेंकें, तो थीटा और 90 माइनस थीटा क्या कहलाते हैं एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट, क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब समझो कि जितना आपका थीटा पर हॉरिजॉन्टल रेंज निकलेगा, मतलब आर थीटा इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा, समझिए मैंने कहा आर 60 इक्वल टू आर 30, क्योंकि 90 माइनस 60 कितना बनेगा 30, ये एग्जाम में आया था पिछले साल आपके क्वेश्चन, क्या है भैया इसका मतलब, अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल पे फायर किया है, बोलिए सुनो, और अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल पे फायर किया, ये देखिए 30 वाला, बोलिए हाँ, ये देखिए दोनों का जो रेंज बनेगा वो सेम बनेगा, क्या बनेगा दोनों का रेंज सेम बनेगा, कैसे बनेगा मैं आपको करके बता देता हूँ, देखिए किस तरीके से बनेगा ये रेंज सेम कैसे बनेगा। हाँ सबसे पहले मैंने आर थीटा निकाला, तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये पढ़ाया कहाँ भूल गए हो क्या, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला, ये देखो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, होता कि नहीं होता, ओके तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया है आर थीटा एंगल पे। अब दूसरा आर 90 माइनस थीटा, तो बेटा थीटा की जगह कौन खेलेगा 90 माइनस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन टू बाहर
और यहाँ पे कितना 90 माइनस थीटा अपॉन कितना जी यू स्क्वायर साइन 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा अपॉन कितना जी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा तो 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा 2 थीटा साइन 2 थीटा बोलिए ऐसा नो अरे भाई फार्मूला पढ़ाया है कि साइन 180 माइनस ए इक्वल टू कितना होता साइन ए सेकेंड क्वाड्रेंट है ना साइन का घर होगा पॉजिटिव तो यहाँ पे साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या छोड़ेगा एंगल की जगह कौन है 2 थीटा तो आंसर क्या छोड़ेगा ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी बोलिए सुनो मतलब पहले भी यही रेंज था और बाद में भी यही रेंज है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको समझ में आया तो मतलब चाहे आप 20 डिग्री कर फिर फेंक दो या 70 डिग्री पर फेंक दो दोनों का रेंज क्या निकलेगा बराबर निकलेगा चाहे आप 30 पर फेंक दो या आप 60 पर फेंक दो दोनों का रेंज क्या निकलेगा बराबर निकलेगा चाहे आप 15 पर फेंक दो या आप 75 पर फेंक दो दोनों का रेंज क्या निकलेगा बराबर निकलेगा बोले क्लियर है तो ये देखिए इसमें ये कह रहा है कि चाहे आप थीटा पर फेंक दो या 90 माइनस थीटा पर फेंक दो अगर सेम स्पीड से फेंक रहे हो तो दोनों का रेंज क्या निकलेगा इक्वल बोलो क्लियर है भाई अगर ये थीटा है और ये कोने वाला थीटा हो गया तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा ही तो बचा ही वाला क्योंकि वो टोटल कितना था थीटा था 90 था तो अगर ये ऊपर से थीटा है तो ये वाला रेड वाला एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा तो ध्यान से देखिए अगर थीटा पर फेंकेंगे तो भी रेंज उतना ही है और 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे तो भी रेंज उतना ही है बाकी सब बदल जाएगा मगर हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं बदलेगा बोलिए आ गया समझ में कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम अब देखते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंसेप्ट है भाई मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कर सकते हैं तो आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला होता है कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी अब भैया यू तो थ्रो करने वाली बात है जितना जोर से थ्रो करोगे उतना दूर जाएगा जी भी फिक्स है बदलना किसको है थीटा को किसको बदलना है थीटा को मतलब अपन एंगल पे खेम रहे तो भैया आर मैक्सिमम जब होगा जिस समय साइन 2 थीटा क्या होगा मैक्सिमम होगा जब ये बड़ा होगा तभी तो ये बड़ा होगा हाँ या ना तो आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए और साइन 2 थीटा किसी का भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 क्योंकि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है बेटा -1 से +1 तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 बोली हाँ या ना तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ साइन 90 बोलिए हाँ है ना साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना तो 2 थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 90 तो थीटा इक्वल टू कितना 90 अपॉन 2 बोले तो कितना हुआ 45 डिग्री समझ में आया बच्चों तो आंसर मैक्सिमम के लिए कितना होना चाहिए थीटा 45 डिग्री बोलिए हाँ है ना अब उस समय आपको मैक्सिमम रेंज निकालना है तो मेरे मैक्सिमम रेंज निकाल के बता देते साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना है 1 तो यहाँ पे 1 रख दीजिए तो कितना हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 तो आंसर कितना गया यू स्क्वायर अपॉन जी तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना होगा रेंज का यू स्क्वायर अपॉन जी क्लियर बन जाएगा ना अगला पॉइंट दिया है एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 भाई सो सिंपल है मैक्सिमम हाइट पर ये है इस समय वेलोसिटी कहाँ होता है ये होता है Vx और एक्सेलरेशन कहाँ काम करता है डाउनवर्ड होता है वहाँ या ना दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है 90 दुनिया को पता है भाई ये तो 90 डिग्री होता है बोलिए ऐसा नो क्लियर एनी प्रॉब्लम चलिए जब आप फायर करते हैं तो आपका ये एंगल होता है थीटा और जब लौट करके बॉडी आती है तो ये एंगल हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब कितना माइनस थीटा बोलिए हाँ है ना बोलो हाँ है ना क्लियर हुआ जब आप फायर करेंगे तो बॉडी थीटा एंगल से जाएगी और जब लौट करके आएगी तो बॉडी थीटा एंगल से टकराएगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस थीटा और ये क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा बोलिए हाँ है ना अब चलिए यहां का वेक्टर लिखता हूं इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में दो कंपोनेंट एक यू एक्स और कितना एक यू वाई हाँ ना फाइनल वेलोसिटी में दो कंपोनेंट टूटेगा एक टूटेगा वी एक्स और वी एक्स टूटेगा और दूसरा क्या टूटेगा बोलो वी वाई पक्का तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी देखिए यू इनिशियल बराबर देखिए यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप तो यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा है कि नहीं है और यू वाई कितना है यू साइन थीटा जे कैप दोनों प्लस में है क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है अब आइए टकराइए टकराते समय ये तो प्लस में है यू कॉस थीटा मगर ये किस में है
माइनस में है। तो टकराते समय फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप, और टकराने के समय वाई कंपोनेंट कितना होगा, माइनस का यू साइन थीटा जे कैप। आई बस समझ में ना। और याद रखिएगा जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से टकराएगा, मतलब यहाँ पे यू है तो यहाँ भी कितना होगा यू, है ना, पढ़ाया ना, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। हाँ बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, क्या निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए तो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा जे कैप है, और ये तो इससे इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप, होगा कि नहीं होगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा माइनस सॉरी टू यू साइन थीटा, है ना, क्लियर। नाउ चेंज इन मोमेंटम कितना होता, मोमेंटम सब पढ़ के आए हो, मोमेंटम इक्वल टू होता मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज लगा दो डेल्टा लगा दो, डेल्टा पी, तो मास तो बदल नहीं रहा है, एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डेल्टा कौन खाएगा, वी खाएगा, है ना, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू डेल्टा वेलोसिटी, बोलो है ना, पक्का। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया था टू यू साइन थीटा, और मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा टू एम यू साइन थीटा, ये हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फिनिश होता है, अब इतना आप लोग करके रखिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आपका बचा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, माफ़ कीजिएगा मैं हॉरिजॉन्टल बोल गया। अब आपका बचा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जो कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद वाला कुछ भी सिलेबस में नहीं है, केवल इसका लास्ट में जो कुछ आएगा सर्कुलर मोशन आएगा, है ना, ये सर्कुलर मोशन वगैरह आएगा तो वो मैं आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो आपका पॉइंट है ऑब्लिक वाला प्रोजेक्टाइल, ये वाला प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल, तो ये आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है ना। तो आज, और ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, आपके एग्ज़ाम में पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, ठीक है ना, जो मैंने कराया आपको टू यू साइन थीटा एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाँच नंबर का पक्का पक्का आने वाला है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, एंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये पांच चीज़ें स्कूल में भी आपको जरूर कराया होगा टीचर ने, तो इनको करके रखिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।